हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यूज़ करके कैसे हम बूलियन एक्सप्रेशन को थ्री एड्रेस कोड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है, और ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। बूलियन एक्सप्रेशन को टू पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो टू कंप्यूट बूलियन वैल्यूज़, बूलियन वैल्यूज़ को आपको कैलकुलेट करना है, जैसे ए और बी एंड नॉट सी। आपको ए बी सी जो वैल्यूज़ हैं उन पे और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या लेस देन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको वैल्यू सिंगल मिलती है, या तो 1 मिलेगी या 0 मिलेगी। दूसरा, उसका यूज़ क्या होता है, एज ए कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉर स्टेटमेंट्स। तो इफ़ एज स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट्स, जहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं वो एज ए कंडीशनल एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं, बोला जाता है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इफ़ ई देन एस वन, आप चाहते हो कि अगर ये जो ई है ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू अगर ट्रू आती है तो एस वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, या अगर ऐसा लिखा हुआ इफ़ ई देन एस वन एल्स एस टू, तो अगर ई एक्सप्रेशन जो कि बूलियन एक्सप्रेशन है अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो एस वन एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज एस टू एग्जीक्यूट होना चाहिए। या वाइल है, वाइल में भी आपने ई एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है, तो जब तक ये कंडीशन, जब तक ये एक्सप्रेशन टू रिटर्न करेगा तब तक एस वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ये ई की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी ऐसे कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, और बूलियन वैल्यूज़ 1 और 0 को कैलकुलेट करने के लिए भी हम एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो बूलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं जो बूलियन एक्सप्रेशन पर अप्लाई हो सकते हैं, एंड और नॉट। तो एंड और जो होते हैं लेफ्ट एसोसिएटेड होते हैं, अगर मल्टीपल एंड और आ रहे हैं तो हम इसे लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, और अगर मल्टीपल नॉट आ रहे हैं तो इन्हें हमें राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना पड़ता है। और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है नॉट की होती है, फिर एंड की होती है, फिर और की होती है। तो एक्सप्रेशन में अगर नॉट एंड और तीनों हैं तो पहले आप नॉट को सॉल्व करोगे, फिर एंड को, फिर और को। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन टू थ्री एड्रेस कोड। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो बूलियन एक्सप्रेशन का गिवन है उसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। एक होता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल्स, या कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट कोड का यूज़ करके। रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ट्रू वैल्यू जो भी आएगी बूलियन एक्सप्रेशन की, ट्रू वैल्यू को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉल्स वैल्यू को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, या कह सकते हो जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, और जो जीरो वैल्यू होती है उसे फॉल कंसीडर किया जाता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। फ्लो ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ बूलियन बाय द पोजीशन रीच्ड इन ए प्रोग्राम। अगर बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है या ट्रू है तो किस पोजीशन ऑफ द प्रोग्राम पर रीच करना है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि बूलियन वैल्यू को 1 और 0 से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आई है तो प्रोग्राम की किस पोजीशन पे रीच करना है, अगर बूलियन वैल्यू फॉल्स आई है तो प्रोग्राम की किस पोजीशन पे रीच करना है, तो यहाँ पर वो दिया जाता है। और शॉर्ट सर्किट कोड का मतलब क्या होता है, इट इज़ नॉट ऑफन नॉट नेसेसरी टू इवेल्युएट इंटायर एक्सप्रेशन, पूरे बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। अगर हम देखें ए और बी है तो ए और बी में से अगर ए ट्रू हो जाता है तो बी को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर ए एंड बी लिखा है तो अगर ए फॉल्स हो जाता है तो हमें बी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि अगर एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरी कंडीशन को हमें चेक नहीं करना पड़ता। तो ये शॉर्ट सर्किट है कि ए को सिर्फ चेक किया और उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें आगे किस पोजीशन ऑफ द प्रोग्राम पे जंप करना है। तो आगे के वीडियोस में हम ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जिसके थ्रू हम सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन को थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे।